हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की पकौड़ी। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत डिलीशियस होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये हमने लौकी के छिलकों को अलग करके पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और हम नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और ये हमने 1 कप बेसन लिया है और हम वाटर ले रहे हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बोल में 1 कप बेसन लेंगे। बेसन में हम गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा ले सकते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इन सभी को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से सारे इंग्रेडिएंट बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, फिर इसे मिक्स करते जाएंगे और फिर हम बाकी वाटर ऐड करेंगे। हमें इसका घोल गाढ़ा ही बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करते हुए हम इसका घोल बनाएंगे। जब इसका बैटर बन जाए तब हम इसे 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे और फिर थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका बैटर इस कंसिस्टेंसी का चाहिए। अब इसमें हम एक लौकी की पीसेस को डालेंगे और फॉर्क की हेल्प से दोनों साइड से कोट कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे लौकियों को बनाएंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे, उसमें छोटे से पीसेस डालेंगे। अगर वो ऊपर आ रही है तो तेल बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लौकी को डालेंगे। एक एक करके हम 4 से 5 पीसेस डालेंगे। फ्लेम को हम पहले मीडियम रखेंगे, फिर इसे लो करके पकाएंगे। अगर हम इसका घोल पतला रखते तो ये लौकी में बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं चिपकता और फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनते। जब थोड़ी देर ये पक जाए तब हम इसे पलट देंगे और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम या लो रखेंगे। एक साइड पकने के बाद हम इसे पलटते रहेंगे, नहीं तो पकौड़े जल जाएंगे। बीच बीच में पलटते हुए हम इसे पकाएंगे। अब ये क्रिस्पी लगने लगा है, अब इसे हम साइड से करते हुए निकाल लेंगे। साइड से करके निकालने से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाते हैं और पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हमने सारे पकौड़ों को निकाल लिया। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। ऐसे ही हम सारे पकौड़ों को बना लेंगे। अब हमने सारे पकौड़े बना लिए। हमारा लौकी के पकौड़े बनकर तैयार है। आप इसे चटनी या कोई भी सॉसेस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।